कल मैं एक नई सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी जो भवानी मंडी से बता रहे हैं, पिपला चौराहे से बता रहे हैं, चाहे आप गुड़ा से बता रहे हैं, सिलेगढ़ से बता रहे हैं, दूर दूर से आप बता रहे हैं, पूरी विधानसभा से बता रहे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने अमूल्य समय दिया, आप बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार रावले का, हाथी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ रावले का। आपने अपना समय निकाल के आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैन सिंह जी मना साहब ला गए, चैन सिंह जी मना साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो हमारे परिवार में शामिल हुए और हमारा कुनबा बढ़ाया। मुझे आशा है कि इस क्षेत्र में बहुत मजबूती मिलेगी। आप सब पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आने वाली सरकार में आपका कोई काम नहीं रुकेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपके ग्रामीण क्षेत्र का हूँ, मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान का दर्द जानता हूँ, मैं कोई नेता नहीं, मैं किसान हूँ, मैं इस किसान परिवार में मैंने जन्म लिया है। जो काम आप किसानी का करते वो काम मुझे एक एक याद है, चाहे ढीला लो, खुदा लो, कुल्फा हका लो, डाई चलवा लो, चाहे ओरा लो, कुछ भी काम, चाहे खेत बांधना हो, मुझे एक काम ऐसा नहीं कि जो मैंने नहीं किया, पूरा काम खेती का मुझे याद है। मुझे दर्द है इस बात का कि किसान में किस प्रकार की दिक्कत आती है। मैंने एक एक चीज किसानों की उठाई है विधानसभा में। मैंने तारबंदी की बात उठाई कि भाई किसान की फसलें रोजले खा जाते हैं। मैंने गायों की बात उठाई कि गाय फसल सुनी फसल खा जाती है। मैंने यह तक कहा कि मुख्यमंत्री जी एक एक गाय सभी किसानों को दे देते हैं, गायों की दिक्कत नहीं रहेगी। छोटे मोटे मुद्दे सब विधानसभा में उठाए। और भी मेरे से कोई गलती हुई हो इस 5 साल में तो छोटा भाई मान के माफ करना। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, मुझे इतना प्रेम और प्यार दिया, और आप मुझे विश्वास है कि यहाँ से आपका वोट, आपका एक वोट ना मुझे मिल रहा, आपका इस देश का राष्ट्र का निर्माण कर रहा है। आपका एक वोट ने राम मंदिर बनवाया आपका, क्योंकि 500 साल से राम मंदिर नहीं बनना था वो आपका। एक वोट ने 3 तलाक हटवाया, वो आपकी देने, वो आपकी ही देने के नाते था पूरे देश में। वो 3 तलाक हटा और धारा 370 हटी, धारा 370 हटाने का काम किया, और आपका एक वोट ने राम मंदिर का निर्माण करवाया तो उसका वोट एमएलए का वोट गिरता है। मैंने राज्यसभा के सांसद को वोट देके हमारे राज्यसभा के सांसद दिल्ली भेजे, हमारे 4 सांसद जाने थे, उसमें से मात्र एक सांसद गया जयपुर से। इस बार पूरे के पूरे सांसद जाएंगे, क्योंकि हमारे विधायकों की संख्या कम थी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपने तो चारों के चारों विधायक भेजे थे, आप झालावाड़ जिले की कोई गलती नहीं है। बाकी राजस्थान में इस बार लहर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आप सब पधारे, आपने अपना अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी सदस्यों को, क्योंकि आपने गर्मजोशी से जो स्वागत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। आप लोग हमसे जुड़े, आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका कोई नहीं रुकेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी का है, इसमें हमारा जुड़ना बहुत बड़ा होता जा रहा है। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब जुड़े और आप अपना अमूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। Thank you.
आपके
समर्थकों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वसुंधरा जी के दौरे के बाद कहीं ना कहीं नई जो नीति है वो सामने नजर आ रही है। ऐसे में बात करें विधानसभा क्षेत्र के कई मुद्दे उठाने का काम भी विधानसभा सभा में किया, चाहे पेयजल हो, चाहे मुआवजा हो, चाहे वो बिजली हो। हम बात करते हैं करुणा मेघवाल से, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी है। किस तरह का माहौल आपके पक्ष में हो रहा है? आप साथ चल रहे माहौल आपने देखा है जी, पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जी। और यह हमारी विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि एक तरफा वोट दे के भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से यहाँ से जिता कर भेजे, ताकि हमारे परिवार की मुखिया सीएम राजे जी सिंधिया सीएम महोदय सीएम बने और जो विकास कार्य की गति रुकी हुई पड़ी है उस विकास कार्य को गति मिले। और यह लगातार इतना अपार समर्थन मिल रहा है मुझे कि जिसकी कोई मैं वर्णन नहीं कह सकता, मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं है। मेरे पास इन लोगों का इतना बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है। जगह जगह बहुत भारी संख्या में सभी ग्रामीण ने गर्मजोशी से स्वागत किया है, तो वो सब आप देख रहे हैं। मैं एक बात पूछूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब दौरे में थे उन्होंने कहा था कि 25 तारीख से पहले जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो हमारे साथ आ जाए, तो कितने लोग आपके साथ अब आए हैं जिसको जोश देखने को नजर आया? भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ता हमारे साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कार्यकर्ता कोई अलग है हमसे, सब कार्यकर्ता अपने साथ है। बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे साथ आ गए, कोई बच्चा होगा तो वो भी आ जाएगा 25 से पहले,
और बहुत अनुशासित कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी। एक सवाल हो रहा है मेरा, पार्टी से निकले सुनरीवाल जो बागी बनकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, आज भाजपा ने उनको निष्कासित कर दिया, फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं जीतूंगा तो मैं भाजपा को वोट दूंगा, कैसे देंगे वोट? भाई साहब आपको पता है कि यहाँ से जो भी चुनाव लड़ता है सब पार्टियां चुनाव लड़ के देख ली, सब पार्टियां विधानसभा में चुनाव लड़ के देख ली, चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे राजपा हो। जी राजपा से पूर्व विधायक महोदय सनील लता जी चुनाव लड़ी थी, उनके वोट आए 1500 वोट, इससे तो नोटों के वोट ज़्यादा आए थे। जी तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ डग विधानसभा की जनता बहुत समझदार है, कोई भी प्रत्याशी हो पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। जी और इस डग विधानसभा की जनता जी सिर्फ पार्टी को वोट करती है, किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं करती। खबर 24 की ओर से एक अपील करें आप मतदान की। मैं अपील करना चाहता हूं कि सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि 25 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय को यह सीट भारी से भारी मतों से जीत कर हम देंगे और राजस्थान की सीएम बनाएंगे। ये थे कालरा मेघवाल जिन्होंने कहा है कि परचम बहुमत हमें मिल रहा है और फिर से हम जीत कर विधानसभा जाएंगे और हमारी सरकार बन रही है। हम आगे भी इनका अपडेट बताते रहेंगे। देखते रहिए खबर 24 न्यूज, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।